लक्ष्मी जी पहुंच गई और राजा बलि को रक्षाबंधन किया। बड़े प्रसन्न हो गए राजा बलि, तुम मेरी बहन हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोलो भाई, लोग बहन को सो दक्षिणा देते हैं, क्या तुम्हें चाहिए बोलो। लक्ष्मी ने कहा, ये जो दरवान है वो दरवान मुझे दे दीजिए। राजा बलि ने देखा, तुम कौन हो, आखिर इस दरबार को मांग रही हो, कौन हो तुम, ये कौन लगता है तुम्हारा। कहा, ये मेरे पति देव है। राजा बलि कहने लगे, अरे तुम लक्ष्मी हो क्या। हाँ मैं लक्ष्मी हूं, ले जाओ तुम। राजा बलि ने कहा, ले जाओ तुम अपने पति को यहां से, मेरी ओर से बस अनुमति है। लक्ष्मी जी आ गई। इतना विलंब क्यों किया, बड़े जोर से डांटा उस समय में नारायण ने। मैंने कहा था जल्दी आने के लिए, मैं दरबार जो खड़ा हूं इसे छोड़ दिया तुमको दया करके। कहा, आपने छोड़ दिया, बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन राजा बलि की ओर से अनुमति मिल गई है कि मैं आपको लेकर जाऊं यहां से वैकुंठ। भगवान नारायण ने कहा, राजा बलि ने अनुमति तो दे दिया है, लेकिन मेरी ओर से अनुमति नहीं हुई। मैं भी अपने आप के लिए अनुमति दूं तब हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, राजा बलि की अनुमति हो गई है, आधे रूप में मैं आ जाता हूं, आधे रूप में यहां पर दरबार होकर तब तक रहूंगा जब तक राजा बलि का शासन रहेगा। यही तो भगवान ने पहले कहा था, मैंने बलि को क्या बंधन में डाला, मैं बंधन में पड़ गया हूं। इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो किल साधु सम्मतौ भक्तान्तिलर्बाष्पकुलाकुले क्षणो भक्तुद्गलो गद्गदया गिराब्रवी। भगवान ने पहले कह दिया था शुक्राचार्य को, ये जो यज्ञ के बीच में मध्य में विघ्न आ गया था उसको आप पूर्ण कर दो। मंत्रता संत्रता छिद्रम देश कालार्ह वस्तुता सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तवे। नाम संकीर्तन के द्वारा छिद्र को पूर्ण कर दिया था। राजा ने कहा, भगवन श्रोतुमिच्छामि हरे अद्भुत कर्मणा अवतार कथा माद्यम माया भक्ष विडंबनम। भगवान के कई अवतारों को आपने बतला दिया, वराह अवतार को, नृसिंह अवतार को, वामन अवतार को, कूर्मा अवतार को, लेकिन एक अवतार पहला वाला छूट रहा है, वो है मत्स्य अवतार। वो भी तो कथा सुनाइए हमको, क्योंकि भगवान की लीला बड़ी ही पुण्य पवित्र है। शिवदेव जी कहने लगे, सत्यव्रत नाम का राजा था उस समय में, द्रविड़ देश का वो अधिपति था। कृतमाला नाम की नदी में जाकर स्नान करने के बाद संध्या वंदनार्थ हाथ में उसने जल लिया था। देखा उसके अंदर एक छोटी सी मछली आ गई। मछली विशाल जल में रहे तो पवित्र है, लेकिन अल्प जल में आ जाए, हाथ में आ जाए तो अपवित्र हो जाता है। राजा ने देखा, रे अंजलि में मछली आ गई, उसको फेंकने लगे। उस मछली ने उस समय में मनुष्यवाणी से कहा, हे राजन मेरा इस प्रकार त्याग मत करो, मैं बहुत भयभीत हूं, मुझे अगर आप छोड़ देंगे यहाँ पर तो दूसरी बड़ी मछली आ जाएगी, मुझे खा जाएगी, मेरी रक्षा करो, मैं शरणागत हूं। सत्यव्रत को जरा दया गई, उन्होंने अपने कमंडल में मछली को डाल दिया। संध्या वंदना भी करने के बाद में कमंडल लाकर अपने महल में रखा। दूसरे दिन प्रातः काल जब कमंडल देखा, वो मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरा कमंडल भर गया था। उस मछली ने मनुष्यवाणी में कहा कि हे राजन मेरे लिए स्थान बहुत छोटा पड़ रहा है, आप कृपा करो एक बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए दो। राजा ने उसे ले जाकर कुएं में डाल दिया। तीसरे दिन जब कुएं के पास जाकर देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि जितना कुआं। मछली ने कहा, राजन मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये जगह छोटी पड़ रही है, मुझे बड़ा स्थान दो। राजा ने उस मछली को ले जाकर के तालाब के अंदर डाल दिया।
फिर जब चौथे दिन देखा इतनी विशाल हो चुकी थी, पूरा तालाब ही उससे ढक गया था। मछली बोलने लगी, हे राजन, ये भी जगह छोटी पड़ रही है, मुझे बचाओ बचाओ, बड़ी जगह मुझे दियो। राजा ने वहां से उठाया, लेकिन बड़ी विलक्षण बात, कोई वजन मालूम नहीं पड़ा। उसको उठाकर ले गए और समुद्र में डालने लगे। तब उस मछली ने कहा, हे राजन, मुझे समुद्र में मत छोड़ो, बड़े बड़े ग्राह तिमिंगल आदि यहाँ पर है, वो मुझे मार डालेंगे, मैं आपकी शरण में आया हूं। सत्यव्रत ने कहा, क्या बोलती है ये मछली, एक 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 दिन में इतनी बढ़ती जा रही है और बोलती है तिमिंगल से, मछलियों से, ग्राह से मुझे भय है, मनुष्यवाणी में बोलती जा रही है मछली। सत्यव्रत ने कहा, आप कृपा करके बताओ आप है कौन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कौन आप आए हुए, आप मछली तो नहीं है। उस समय में उस मत्स्य ने कहा, राजन, मैं आपको कुछ सचेत करने के लिए आया हूं। आज से सातवें दिन प्रलय होने वाला है, पूरा विश्व पानी में डूबने वाला है, और उस समय में सब चराचर नष्ट हो जाएंगे। उस समय की तैयारी करो, विशाल नाव तैयार करो, संपूर्ण बीज उसके अंदर रखो, सप्तऋषियों को खबर दो, समुद्र बढ़ जाएगा और बड़ी बड़ी तरंगें उठेंगी, नाव को भी डुबाने की कोशिश होगी, उस समय मैं इसी रूप में मैं यहां पर आ जाऊंगा। श्रृंग को देखकर पहचान लेना, मेरा एक बड़ा विशाल श्रृंग सिंह होगा, उस पर उस नाव को बांध लेना, और जब तक प्रलय है तब तक इस समुद्र में रहना होगा, ये सूचित करने के लिए ही मैं नारायण तुम्हारे पास आया हूं। सप्तमेद्यजना दुर्गमान्येतदरिन्दव निमंक्षत्यप्ययाम् बोधो त्रैलोक्यम् भूर्भुवादिगाम्। सप्त ऋषियों को खबर दी गई, वे सभी उपस्थित हो गए, बहुत बड़ी विशाल नाव तैयार किया, पृथ्वी में जितने प्रकार के बीज थे सब उसके अंदर डाल दिया, रख दिया सुरक्षित दूसरी सृष्टि के लिए। बस फिर धीरे धीरे समुद्र बढ़ने लगा, थोड़ी देर में देखते देखते पृथ्वी डूब गई, विशाल पृथ्वी समाप्त तो हो गई, केवल पानी ही पानी, भयंकर भयंकर उस तरंगे उठने लगी, ऐसा लगा कि अभी नाव उलट जाएगी उलट जाएगी। प्रार्थना सभी करने लगे, प्रभु आपने वचन दिया था रक्षा करने के लिए, मत्स्य रूप में आ जाऊंगा, लेकिन आप नहीं आ रहे, हम खत्म हो जाएंगे अभी। सत्यव्रत और ऋषि उस प्रकार प्रार्थना करने लगे। इतने में सचमुच में देखा, दूर से एक श्रृंग दिखाई पड़ा सिंह, समझ लिया यही वो मत्स्य है। वहां पर नाव ले गए और उस श्रृंग के साथ वासुकी से बांध कर रख दिया, और फिर जब तक प्रलय रहा तब तक भगवान ने ऋषियों को और सत्यव्रत को बड़ा ही सुंदर सत्य वो ज्ञान का उपदेश किया, वही ज्ञान मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। भगवान वेद व्यास जी ने मत्स्य पुराण रखा है, बनाया है, और उस मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान के उपदेश ही संग्रहित है। अवतारो हरे यो यम कीर्तयि गन्धर्वं नरं संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयादि परमां गतिं प्रलय फलसिदातु सुप्त सत्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमवनीतं प्रत्युपादत्तत्वा दिदिज भवदयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तवामगिरवीतुं जिह्मवीरं नतोऽस्मि। हयग्रीव नाम का जो असुर आया था, जो वेद आदियों को नष्ट करने वाला, उसको भी समाप्त कर समस्त शास्त्र विद्या को भगवान नारायण ने मत्स्य रूप से रक्षण किया था। मन्दन्तराणि सर्वाणि तयोक्तानि सुदानि वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः। द्रविडेश्वर द्रविड देशी जो सत्यव्रत नाम के राजा भी आपने सुना, वही सत्यव्रत फिर श्राद्धदेव नाम के सप्तम मनु हो गए थे, सातवें, जिस मन्वंतर में हम लोग बैठे हुए हैं। अब
पूर्वं वसिष्ठो भगवान् गिरौ मित्रावरुणयो वृष्टिं प्रजार्थमकरोत् प्रभु। इस समय में श्राद्ध देव को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, भगवान कोई आप उपाय करें जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। पुत्र कामेष्टि याग उस समय में वशिष्ठ जी ने कराया पुत्र के निमित्त। श्राद्ध देव की जो पत्नी थी श्रद्धा, जिसका नाम था, हवन करते समय ऋतिकों के पास जाके उसने कह दिया, देखो ऋतिकों ब्राह्मणों ऐसा हवन करो कि लड़की पैदा हो जाए, मुझे पहले लड़की चाहिए। ब्राह्मणों को तो क्या था, उन लोगों ने वैसे याहूदी दे दिया, लड़की पैदा हो गई। लड़की जब पैदा हुई जिसका नाम इला रख दिया गया, मनु महाराज श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान ने तो पुत्र के लिए आपसे प्रार्थना की है, कन्या कैसे हो गई। वशिष्ठ जी ने जब पता लगाया तो मालूम पड़ा आहुति देने में गड़बड़ी करी लोगों ने। उस समय में वशिष्ठ जी ने प्रार्थना भगवान की। भगवान की प्रार्थना जो की, अस्तौ सीदादि गुरु से मिलाया पुंसुगामया। प्रार्थना करने से भगवान नारायण ने ऐसी कृपा की जिससे वो इला जो लड़की थी वो लड़का बन गया और उसका नाम सुद्युम्न हुआ। श्राद्ध देव को बड़ी प्रसन्नता हो गई। एक दिन की बात ऐसी हुई कि सुद्युम्न शिकार खेलने जंगल गया था अपने साथियों के साथ और मेघ पर्वत के प्रांत में जहां पहुंचे एकाएक बड़ी विलक्षण घटना घट गई। घटना ये हो गई उनके साथ, वो जो सुद्युम्न थे वो सुद्युम्न फिर से लड़की हो गया, इला बन गई, और उनके जितने साथी थे सबके सब लड़कियां, यहां तक कि जो घोड़े पर जा रहे थे घोड़े भी घोड़ियां बन गई। बड़े आश्चर्य की बात। इला ने कहा, अरे अब वापिस हम कैसे जाए, लड़का होकर वहां से घर से निकल के आए, अब लड़की होकर वापिस जाए तो लोग कहेंगे क्या, आखिर हम तो अभी वापिस नहीं जाएंगे। अपने मित्रों से कहा, मित्रों ने भी कहा, हम भी अभी लड़कियां हो गई हम भी वापिस नहीं जाएंगे, चलो इस जंगल में ही हम घूमते रहे। अभी राजा ने प्रश्न किया, ऐसा हुआ क्यों भला। शुभदेव जी कहने लगे, कारण यह था, भगवान शंकर वहां पर निवास किया करते थे और शंकर बाबा तो शंकर ही ठहरे, उनके पास जाने के लिए कोई प्रवेश पत्र की जरूरत नहीं थी, जब जिसकी मर्जी वो पहुंच जाते थे। पार्वती थी वहां पर साथ में, जंगल होने के कारण अस्त व्यस्त दिशा में वो बैठी हुई थी, तो उसी समय में ऋषि महर्षि दर्शन करने के लिए आए। पार्वती जी को उस समय जरा लज्जा सी होगी, बराबर मैंने कपड़ा नहीं पहन रखा है, यूं ही बैठी हुई और ये लोग देखो ऐसे ही चले आए पूछे ताछे बिना ही। ऋषि लोग तो वापिस गए, लेकिन शंकर जी से पार्वती ने यह शिकायत की कि आपके पास आने जाने वालों का कोई नियम है, जब मर्जी जिसको आगे पर पहुंचे हो गया, अब मेरे लिए तो ये तकलीफ हो रही है। भगवान शंकर ने कहा, चलो मैं इसके लिए कर देता हूँ, या जो आएगा लड़का आएगा लड़की हो जाएगी और पुरुष या स्त्री हो जाएगी, तो तुमको अब कोई तकलीफ नहीं ना है। हाँ अब तो कोई तकलीफ नहीं है, स्त्रियां आ जाए तो कोई बात नहीं। बस शंकर ने वचन कह दिया था और ये सुद्युम्न को मालूम नहीं था, और सुद्युम्न वहां पहुंच गया, वो पहले वाली इला हो गई, मित्र सब सहेलियां हैं और घोड़े सब घोड़ी बन गई। एकदा गिरिशं दृष्टमृषयस्तत्र सर्वद्वारा दिशो विदिराभासा पूर्वन्तस्सौ भागवन्। अब यह सब लड़की होकर वहां घूम रही है, बड़ी प्यास लगी भूख लगी, उन लोगों ने सोचा कहां जाए आखिर में, खाने के लिए कहां से मिलेगा। एक पर्ण कुटीर वहां पर दिखाई पड़ा, उसमें जब वे पहुंच गई तो वहां पर चंद्रमा का ही सोम, राजा सोम का पुत्र बुध विराजमान थे, तपस्वी होकर बैठे हुए थे। बुध ने देखा ये सब बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी होकर के कैसे आ गई यहां जंगल में। जब सब समाचार मालूम पड़ा
उसके बाद में बुध ने उस इला से ही विवाह कर लिया और उससे उसको जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरवा हो गया, जिससे आगे चंद्रवंश की बात सुनेंगे। ऐसी ऐसी बातें होकर के उठपटांग बातें होकर वो चंद्रवंश चला है। चंद्रमा का पुत्र हो गया बुध और बुध का पुत्र पुरुरवा हो गया। इधर मनु महाराज बैठकर सोच रहे थे कि मेरा लड़का गया है जंगल में शिकार खेलने के लिए, अभी तक वापिस ही नहीं आया, हुआ क्या इसको, वहीं बस गया क्या। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि मेरा लड़का सुद्युम्न भी इला हो गया है। वशिष्ठ जी से कहा, भगवान अब क्या करें, ये क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। भगवान वशिष्ठ ने देखा ये शंकर के श्राप के कारण ऐसा हुआ तो भगवान शंकर की स्तुति की। वशिष्ठ जी ही ठहरे, भगवान शंकर प्रकट होके आगे पूछा, वशिष्ठ जी बोलो किस लिए आप स्तुति करते, क्या चाहिए आपको। तो बोले बात यह है कि हमारे राजा का जो पुत्र है सुद्युम्न इला हो गया है और लड़का था उसको आपने लड़की कर दिया है। कोई बात नहीं, इसमें क्या, आपका भी वचन रहे मेरा भी वचन रहे, एक महीना लड़की रह जाएगी एक महीना लड़का रह जाएगा, बस इतना कहकर शंकर जी चले गए। एक और आफत हो गई, अब एक महीने तक लड़का रहे फिर एक महीने तक अंतापुर में घूंघट लगाकर बैठे, ये तो बड़ी विलक्षण बात हो जाती है। सुद्युम्न को बड़ा वैराग्य हो गया ये सब देखकर, इससे अच्छा है जाकर मैं तपस्या करूं और भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सब छोड़ छाड़ कर जंगल में गया और तपस्या करने लगा। इधर मनु महाराज ने देखा कोई संतान नहीं, अब क्या करना चाहिए। एवं कदेत सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वत सुदे पुत्र कामस्तपस्ते यमुनायां सदस्यं शतं समाः। श्राद्ध देव मनु ने कहा कि यज्ञ से कुछ नहीं, अब मैं बैठकर तपश्चर्या करूंगा। 100 वर्ष तक लगातार उन्होंने जो तपश्चर्या की तब उनको 10 पुत्र हो गए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्यादि, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, प्रसद्ध, नभव, कवि, इस प्रकार 10 उनके पुत्र हो गए। प्रसद्ध जो था, वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे 10 पुत्र एक पुत्र तो हमको दे दो, क्योंकि जंगल में आजकल हिंसक प्राणी बहुत हो चुके हैं, हमें ये गायों को पकड़ पकड़ के ले जाते और खा जाते हैं, उसकी रक्षा के लिए एक को दे दो। प्रसद्ध को भेज दिया था मनु ने। रात का समय था, अंधेरी रात थी, एक चीता आ गया, शेर आकर एक गांव के ऊपर झपटा, उसी समय उसने बाण छोड़ा, बाण छोड़ा तो शांति हो गई। प्रातः काल जब देखा, अंधेरी रात में उसने जो बाण छोड़ा था वहां जाके देखा तो गाय मर गई थी और जो चीता भाग चुका था। गुरु के पास जाके वशिष्ठ जी से कहा इसी गलती मुझसे हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा तू क्षत्रिय होकर ऐसा काम कैसे तूने किया, गाय को कैसे मारा। का मैंने जान बूझ के तो नहीं मारा। अरे जान करके बूझ करके कुछ भी हो, क्षत्रियों का हाथ गलत काम करने के लिए आगे बढ़ता ही नहीं है, क्या तुम शूद्र हो जाओ, श्राप दे दिया। तपश्चर्या करने के लिए प्रसद्ध चला गया वापिस किया जाना। कबीरदास नाम का जो दूसरा था वो भी विरक्त होकर तपस्या करने के लिए गया। करुष जो तीसरा था उसे कारुष जाति हो गए, जिसमें दंतवक्त का जन्म बाद में हुआ था। धृष्ट से धाष्ट हो गए, नृगवंश भी बड़ा भारी चला, नरिष्यंत भी इसी प्रकार हुआ। धृष्टवंश मदश्रणु सरियादर मानव राजा ब्रह्मिष्ठ सबभूव। 7 लड़कों की बात इस प्रकार उल्टा सीधा हुआ। मनु का जो 8वां पुत्र था शर्यादि, जिसका नाम था, बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हुआ, बड़ा ही वो विद्वान हो गया। उनकी पुत्री का नाम सुकन्या। एक समय की बात, राजा सैनिकों के साथ और अपनी पुत्री के साथ जंगल में पहुंचे।
क्योंकि ऋषियों की ओर से शिकायत आई थी कि आजकल बहुत बड़े बड़े जानवर पैदा हो गए, शेर आदि, जो कि ऋषियों के ऊपर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है। रक्षा करने के लिए पहुंच गए सैनिकों के साथ। सायंकाल का समय था, उनकी जो कन्या सुकन्या थी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर जंगल की शोभा देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए निकली। एक जगह पर जब पहुंची तो एक बल्बीक दिखाई पड़ा, बाम्बी, उसके दो छेद दिखाई पड़े, उसके अंदर से कुछ जुगनू चमक रहे थे, जुगनू जैसे दो। अरे ये क्या बल्बीक के अंदर जुगनू? एक कांटा ले लिया लंबा और यूं यूं डाल दिया तो वहां से खून निकल आया। अरे रे, ये खून निकल गया, क्या हो गया? भाग करके अपनी जगह पर पहुंच गए तंबू में। रात का जब समय हो गया, शरियाती राजा के जितने भी सैनिक थे उनका पेट फूलना शुरू हो गया, मलमूत्र बंद हो गया, श्वास घुटने लगा। राजा ने कहा, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसी कोई वस्तु खाई नहीं जिसके कारण ये रोग हो। अंत में उन्होंने सोचा, जरूर यहाँ पर एक बड़े भारी ऋषि रहते हैं, च्यवन ऋषि, कुछ अपराध उनका जरूर किया होगा। सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उस बीच में कल्पना नहीं थी, सुगन्या ने आकर कह दिया, पिताजी एक बाम्बी दिखाई पड़ी थी, जुगनू दिखाई दिए थे और मैंने कांटों से मारा तो खून निकल आया था। शरियाती ने कहा, हो ना हो, ये तो च्यवन ऋषि का ही अपराध हुआ है। वहां पहुंचकर जब बाम्बी तोड़कर देखा तो च्यवन ऋषि सचमुच में वहां समाधि लगाकर बैठे हुए थे। समाधि उनकी खुली थी, आंख खोला था, उस समय में वो जुगनू के समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन तब तक वे अंधा हो चुके थे क्योंकि दोनों आंखें उनकी फूट चुकी थी। राजा ने जाकर उनसे माफी मांगी, राजन बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, इस प्रकार मेरी कन्या को मालूम नहीं था और उसने ऐसा कार्य कर लिया। शिवर्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हारी गलती हुई, माफी मांग लिया, लेकिन मेरी आंख तो वापस नहीं आएगी, अभी मैं अपना नित्य कृत्य कैसे करूं, कंदमूल कैसे लाऊं, स्नान में कैसे करूं, गंगा में कैसे जाऊं, मैं तो हमेशा के लिए पराधीन हो गया। शरियाती ने चरण पकड़ कर कहा, जो कहे सो मैं करने के लिए तैयार हूं, हमारे सैनिक सब खलास हो जाएंगे, अभी आपके क्रोध की आग में भुन कर खत्म हो जाएंगे, सैनिक नहीं तो फिर राज्य क्या चलेगा। च्यवन ऋषि ने कहा, जिसने ये अपराध किया हो उसी को यहाँ पर नियुक्त करो मेरी सेवा करने के लिए, जिस किसी ने भी किया हो। राजा शरियाती ने सोचा, तो मेरी पुत्री है, लड़की है, उसको कैसे यहाँ पर सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाए। पहले समय में ऐसा नियम था ही नहीं कि लड़की को किसी के यहाँ पर ही लगा दिया। सुगन्या ने तुरंत बोल दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, आप मुझे विवाह करके इनको दे दीजिए और मैं यहाँ पर रहूंगी, इनकी सेवा भी कर लूंगी जीवन भर में। शरियाती असमंजस में पड़ गए, मैं इस राज कन्या को इस झोपड़ी के अंदर पेड़ के नीचे बैठने वाले ऋषि को, सो भी अभी अंधे हो चुके, किस प्रकार दूं? लेकिन उपाय कुछ भी रह नहीं गया था, उसका कथन मानना पड़ा, विवाह करके दे दिया च्यवन को और वे अपने राज्य में पहुंच गए और बैठकर बहुत विषाद करने लगे, ये क्या हुआ, क्या हुआ, और मैंने क्या किया, अपनी कन्या को दे दिया, सो भी अंधा भी है, कोई मकान नहीं है, घर नहीं है, बूढ़ा भी है, ऐसे को मैंने अपनी कन्या देकर कन्या के जीवन को मैंने खत्म कर दिया। एक दिन की बात हुई, अश्री कुमार दोनों उस जंगल में पहुंच गए थे। कंदमूल लाने के लिए सुगन्या गई हुई थी। अश्विनी कुमारों ने देखा, रे ये राजकन्या इधर क्या घूम रही है,
अश्विनी कुमारों ने पूछा, अरे तुम राजकन्या जैसी दिखती हो, जंगल में कैसे तुम तपश्चर्या कर रही हो? सब वृत्तांत उसने सुनाया। अश्विनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हमारी कुछ बात मान लो तो तुम्हारे पति को हम आंख दे देंगे, हम स्वर्ग के वैद्य हैं। कहा, बड़ी अच्छी बात। दोनों को लेकर आश्रम में पहुंच गई। च्यवन ऋषि को सब बताया तो च्यवन ऋषि ने यही कहा कि देखो, देवताओं के बराबरी तुम्हारी नहीं मिली है और उसके लिए बहुत बड़ा भारी विवाद भी हुआ था, दधीचि ऋषि के साथ भी विवाद हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारे देवताओं के बराबर कर दूंगा, तुम्हें भी यज्ञ में भाग मिल जाएगा यदि तुम मुझे आंख देते हो। उन्होंने स्वीकार कर लिया, यज्ञ के भागी हमें बना लो और हम आपको आंख दे देंगे, सब कुछ हम कर देंगे। अश्विनी कुमारों ने एक ऐसा कुंड बनाया विशाल, सब प्रकार की औषधियों को उसके अंदर डाल दिया, औषधियों का रस सब उस जल में उतर गया। और उसके बाद में दोनों अश्विनी कुमार और इधर च्यवन ऋषि, तीनों ने कहा, चलो अब हम यहां पर डुबकी लगाएंगे इसमें। तीनों गए एक साथ, जब डुबकी लगाया और जब ऊपर आकर देखते तो तीन दिव्य पुरुष दिखने लगे, अत्यंत दिव्य, इंद्र से भी बढ़कर उनकी शोभा हो रही थी। अश्विनी कुमारों में से एक ने कहा उस समय में सुगन्या को, अब तुम अपने पति को पहचान लो और हाथ पकड़ के ले जाओ। सुगन्या घबरा गई, देखने में एक बराबर, एक रूप, एक रस, सब कुछ एक ही जैसे, और किसी का हाथ पकड़ लिया और कहीं अश्विनी कुमार निकल पड़े तब क्या होगा? घबरा गई वो तो, लेकिन घबराने पर भी भगवान का स्मरण किया, भगवान तो रक्षक है, मेरी राज रखो, मेरा व्रत, मेरे व्रत की रक्षा करो, रक्षा करो। सत्संग बहुत कर चुकी थी इसलिए भगवान की शरण में पहुंच गई और उसके बाद में आंख मौन करके ही एक का हाथ जो पकड़ लिया, सचमुच में वो च्यवन ऋषि निकले। बड़े ही प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमार चले गए। च्यवन ऋषि का स्वरूप अति दिव्य हो चुका था, आश्रम में दोनों अब निवास करने लगे। एक दिन शरियाती अपने पुत्री का सुख दुख देखने के लिए पहुंच गए जंगल में, वहां बैठकर पछता रहे थे, मैंने कैसे ऋषि को अपनी महल में रहने वाली कन्या को दिया, बड़ा कष्ट वो पा रही होगी, इसका पति अंधा भी है, बूढ़ा भी है, मैंने बड़ा अन्याय किया उसके साथ। स्वयं शरियाती पहुंचे जंगल में और जिस आश्रम में च्यवन ऋषि रहते थे, कुछ दूर पहुंच गए तो क्या देखते हैं, एक दिव्य पुरुष बैठा और उसके पास में सुगन्या। दिमाग चकराया शरियाती का, शरियाती ने कहा, मैंने जो पाप किया बस उसका परिणाम सामने आ गया, मुझे लगता है कि मेरी पुत्री ने बूढ़े पति को मार दिया और दूसरे किसी का इसने शादी कर लिया, सूर्यवंशीय खलास हो गया, ये मेरा जो सूर्यवंशीय समाप्त हो गया, इसमें सबसे ज्यादा कलंकी मैं हूं, कलंक लगाने वाला मैं हूं, मेरे कारण सूर्यवंश कलंकित हो गया। एक ओर क्रोध हो रहा था, दूसरी ओर शोक हो रहा था। दूर खड़े हैं, न आगे बढ़ रहे न पीछे हट रहे हैं। इतने में सुगन्या की नजर उनके ऊपर पड़ी, वो दौड़ दौड़ करके पिताजी के पास पहुंची, चरण स्पर्श करने जा रही थी। इतने में डांट कर शरियादी ने कहा, खबरदार मेरा स्पर्श नहीं करना, भ्रष्ट, कैसे तू मेरा पांव छूती है? सुगन्या ने कहा, पिताजी आप क्यों मुझ पर इस प्रकार नाराज हैं? आप मुझे क्यों भ्रष्ट कह रहे हैं? मुझे आप क्यों पतित कह रहे हैं? शरियादी ने कहा, गलती मेरी है, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारा पति बूढ़ा था और अंधा था, उसको तुमने मार दिया है और दूसरे के साथ विवाह कर लिया है। सुगन्या ने कहा, पिताजी
इस प्रकार आप पाप बुद्धि क्यों कर रहे हैं? वो जो बैठे हुए पुरुष है वही आपके जामाता है, वही आपके जमाई च्यवन ऋषि है। वो तो सरयादी ने कहा एक गलत काम करके ऊपर से झूठ बोल रही है मुझे बनाने के लिए, क्या मैं च्यवन ऋषि को नहीं पहचानता? च्यवन ऋषि का शरीर ऐसा दिव्य था क्या? जवान थे क्या वो? धैर्य धारण करके सुगन्या ने कहा पिताजी आप पधारिए वहां पर, उन्हीं से जाके पूछिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मेरे ऊपर यदि आप विश्वास नहीं करते लेकिन उन पर तो आप विश्वास कर सकते हैं। बहुत कुछ मना करके पिताजी को लेकर वह पहुंच गई। च्यवन ऋषि ने बड़े आदर सत्कार से उनको बिठाया, वार्तालाप हुआ तो पूरा वृत्तांत कह सुनाया च्यवन ऋषि ने। अश्विनी कुमारों की ये कृपा है जिसके कारण मुझे आंख प्राप्त हो गई और जवानी प्राप्त हो गई है, आप चिंता ना करो। थोड़ी सी सांत्वना जरूर मिली लेकिन विश्वास कैसे करें कि ये सब बातें बनावटी है कि कैसी है? च्यवन ऋषि ने कहा मैंने वचन दिया है अश्विनी कुमारों को कि यज्ञ में आपको भाग में दिलाऊंगा और मुझे देना है। सरयाजी ने कहा बस ये परीक्षा हो जाएगी। कहा कि हम यज्ञ कर रहे हैं और आपको ही आचार्य हम बनाएंगे, आप अश्विनी कुमारों को अगर भाग देते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें आचार्य च्यवन ऋषि को बनाया, आहुतियां देने लगे और उसके बाद में जब नंबर आ गया सोमेन यज्ञं वीरं ग्रहं सोमस्य जाग्रहीत असोम पूरस्य जिदोरु च्यवनाश्वेन तेजसा। सोम या किंगर सोम के अधिकारी नहीं थे अश्विनी कुमार और उनके लिए सोम ग्रह हाथ में ले लिया च्यवन ने। जो ही सोम पात्र हाथ में लिया और अश्विनी कुमारों का मंत्र बोलना शुरू किया, इतने में दौड़ दौड़ करवा इंद्र आ गया, हाथ में वज्र। इंद्र ने कहा अरे च्यवन तुम बहुत गर्व मत करो, हम देवता है, देवताओं के विरुद्ध तुम काम कार्य नहीं कर सकते हो। ये वज्र देख लो जिससे मैंने वृत्रासुर का वध किया, तुम्हारा मस्तक काट कर मैं गिरा दूंगा यदि तुम अश्विनी कुमारों को भाग दोगे। च्यवन ऋषि ने कहा तुम अपनी शक्ति दिखाना मुझे। यूं कहकर के आहुति ज्यों ही देने लगे कि इंद्र ने वज्र उठाया मारने के लिए। नीचे वज्र पड़ने ही वाला था, स्तंभन मंत्र पढ़ लिया और वज्र ज्यों का त्यों रह गया ऊपर। वज्र और हाथ ज्यों का त्यों रह गया और च्यवन ऋषि ने तो अश्वभ्याम स्वाहा बोलकर आहुति दे ही दिया। इंद्र ने सारी कोशिश की लेकिन हाथ नहीं हिला सका। उसी समय में वहां पर ब्रह्मा जी आदि आ गए और समझौता करा दिया और कहा कि आज से अश्विनी कुमारों का भी भाग च्यवन ऋषि के कारण हो जाएगा। सब प्रसन्न हो गए। अब तो विश्वास के लिए कोई बात नहीं रह गई थी। सरयादी भी इतने अधिक प्रसन्न थे, पूर्ण विश्वास हो गया कि सचमुच में यही च्यवन है जिन्होंने अश्विनी कुमारों को भाग दिला दिया है। श्रियं लब्ध्वा विभवं चाकुलं भुवि। उन वंश में ही आगे अम्बरीश नाम के बहुत बड़े भारी राजा हुए थे, इतने बड़े भारी भक्त हो गए थे। उन्होंने द्वादशी व्रत रखा था, द्वादशी व्रत माने एकादशी व्रत। भगवान रामचंद्र जी के अवतार तक आपको आज सुनना है, कल ही बोल चुके हैं, थोड़ा धैर्य रखकर आपको बैठना ही पड़ेगा और ये पाठ थोड़ा और लंबा है, इस कारण से खूब प्रेम से बैठ के सुनिए। आए भूख प्यास को भूल जाइए, एकादशी व्रत की बात सुन लीजिए भी। एकादशी व्रत रखा था अम्बरीश ने
और इतने वो बड़े भारी भक्त थे। रामावतार जरूर सुनना है आपको, थोड़ा रहेगा 15-20 मिनट और लग सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को ही नियुक्त कर लिया था। अपने हाथ को हमेशा भगवान की पूजा में ही उसने लगा दिया था, मस्तक तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए लगाया था, उनकी जीभ तो भगवान की स्तुति के लिए मानो बनाई गई है, हृदय तो भगवान का स्मरण करने के लिए। इस प्रकार व्रत चल रहा था। अंतिम दिन का व्रत आया, एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी को पारणा की जाती है। अंतिम दिन की बात है, उसी समय में वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। बड़ी प्रसन्नता हो गई अम्बरीश को। अम्बरीश ने कहा कि कई सालों से मैं व्रत रख रहा हूं और ये व्रत आज पूर्ण हो रहा है। व्रत पूर्ण होते समय कोई संत पुरुष आ जाए तो उससे बढ़कर और क्या पुण्य होना चाहिए। सचमुच मेरा व्रत अब परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण ही नहीं परिपूर्ण। भगवान मुझे पारणा करनी है तो आप स्नान करके आ जाए, आपको भोजन खिला करके तब मुझे प्रसाद प्राप्त करना है। चले गए स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि। स्नान करते रहे तो स्नान ही करते रहे। अब एक घड़ी बच गई थी बाकी द्वादशी की। पहले जमाने में नियम यह था कि द्वादशी में ही भोजन करना चाहिए। वैष्णव लोग आजकल जरा उल्टा पुल्टा कर लिया है, द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को कर लेते हैं पारणा। द्वादशी अभी एक घड़ी रह गई थी, दुर्वासा ऋषि का कोई अता पता नहीं। घबरा गए अम्बरीश, मेरा व्रत क्या टूट जाएगा? बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा क्या करना चाहिए। संत को मैंने निमंत्रण दिया है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि बात यह है, आप यही कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा समय रह गया, उसमें आप पानी पी लीजिए। पानी जो पीना है निर्जला रखते थे हमेशा वो, तो पानी भोजन माना भी जाएगा नहीं भी माना जाएगा। पारणा के लिए पानी तो भोजन हो जाएगा और संत पुरुषों को खिलाने के लिए वो भोजन नहीं है। उनकी अनुज्ञा लेकर अम्बरीश ने पानी पी लिया, पारणा कर लिया। बस इतने में दुर्वासा ऋषि वहां से पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि को मालूम पड़ गया किसने पानी पी लिया है। भक्षणम विप्राशितम नाशितम जगत्यपराशिश्चिंतन मनसाच्युत प्रत्यदष्ट गुरु श्रेष्ठ द्विजागमन वेदना। दुर्वासा ऋषि ने देखते ही जान लिया इसने पारणा किया है। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे आमंत्रण देने के बाद संत को खिलाए बिना तुमने कैसे भोजन कर लिया? अम्बरीश ने कहा भगवान मैंने भोजन वैसा नहीं किया, केवल पानी पिया। तो पिया क्यों पानी जब मुझे निमंत्रण दिया था? संत को निमंत्रण करने के बाद पहले अपना भोजन कर ले और फिर संत को खिला भी, तो भया बड़ा भारी पाप है, अन्याय है तुमने किया। बहुत प्रार्थना की अम्बरीश ने लेकिन मारा नहीं। और वस्तुतः अम्बरीश ने तो विद्वानों से पूछ के वो किया था। दुर्वासा ऋषि शंकर के अंश थे लेकिन थे अंश ही, पूरे तो नहीं थे। दक्ष प्रजापति के ऊपर क्रोध किया तो जड़ा उखाड़ करके उन्होंने मणि वीरभद्र को पैदा किया था, उसने दक्ष विध्वंस किया था। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मैं भी ऐसे कृत्या को पैदा करूंगा, एक जटा उखाड़ करके नीचे पटक दिया तो सचमुच में एक राक्षसी प्रकट हो गई। लेकिन राक्षसी की ताकत, रक्षा करने के लिए आए हुए सुदर्शन चक्र के सामने क्या हो सकता था? सुदर्शन चक्र सामने से आ गया, वो जो कृत्या थी राक्षस को बस मस्तक काट गिरा दिया, उसका वध कर दिया और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ गया। दुर्वासा ऋषि ने देखा अरे ये चक्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि वहां से भागने लगे।
लेकिन जहां कहीं भी दुर्वासा ऋषि पहुंच जाए तो पीछे पीछे वो चक्र आ रहा है। हिमालय में, सह्याद्री में जहां कहीं भी गए वहीं पर वो चक्र पीछे आ रहा है। अंत में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए ब्रह्मा जी के सत्यलोक में, कहा पिताजी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, तो वहां से शंकर जी के पास जाके के आपका ही मैं अंश हूं, मेरे मुझे बचाओ। शंकर भगवान ने कहा ये मेरा काम नहीं है। आखिर विष्णु भगवान के पास जाके कहा ये आप ही का चक्र है, मुझे वध कर रहा है, इसको पीछे खींचो। भगवान नारायण ने कहा ये मेरे दिवस की बात नहीं है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ही भक्तिज, मैं भक्तों का पराधीन हूं, आप अंबरीश के पास जाओ, स्वयं अंबरीश अगर क्षमा करे तो आपकी जान बच सकती है। अब जान खतरे में देखकर अंततः दुर्वासा ऋषि दौड़ दौड़ करके अंबरीश के पास पहुंचे। अंबरीश ने देखा दूर से दुर्वासा ऋषि भागते भागते आ रहे हैं। पास में पहुंचते दुर्वासा ऋषि जो ही प्रणाम करने लगे, अंबरीश ने पहले ही दंडवत उनको प्रणाम कर लिया, चरण पकड़ा। इतने में दुर्वासा ऋषि ने भी दंडवत प्रणाम किया। अंबरीश ने कहा भगवान आप मेरे चरणों में प्रणाम ना करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रणाम की तुम बात छोड़ो, इस चक्र को तो संभालो, ये मुझे मारने के लिए पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, मुझे बचाओ तुम। उसी समय में अंबरीश ने चक्र की, सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की, और जहां प्रार्थना की उस समय में धीरे धीरे चक्र शांत हो गया और अपने स्थान में जाकर स्थिर हो गया। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रारचित प्रिय सर्वास्त्रघातिं विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पति। सुदर्शन जब शांत हो गया उसके बाद में दुर्वासा ऋषि को बड़े ऊंचे आसन में बिठाया, उनका चरण धोया और उसके बाद में भोजन तैयार करके लाके रख दिया। और अंबरीश ने कहा कि प्रभु बहुत आप दयालु, बड़े आप दयालु है। दुर्वासा ऋषि को कहा आप तो देखा कि ये मेरा भक्त भी मर जाएगा, इसलिए स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए अब आए। दुर्वासा ऋषि को आश्चर्य हो रहा था मैं कैसे इसके प्राणों को बचाने आया हूं। अंबरीश कहने लगा भगवान मैंने आपको आमंत्रण दिया था लेकिन आपको मैं भोजन नहीं करा सका था, एक साल बीत गया और एक साल में अभी तक मैंने भोजन नहीं किया। संत को आमंत्रण दिया आपको भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता था, और आपने सोच लिया ये भूखा मर जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप आए। संवत्सरोत्यदा तावत् यावता नागतो गता मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूव। एक साल तक पानी पी पी कर अम्बरीश ने बिताया था। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और भोजन किया। दुर्वासा ऋषि ने भी नहीं खाया था एक वर्ष तक, और क्या तो भागते ही रह गए। बड़ा अच्छा लगा उस रोज का भोजन। उसके बाद में अंबरीश ने अपने प्रसाद ग्रहण किया। सुखदेव जी कहने लगे देखो ऐसे होते हैं भक्त, बड़े बड़े महान राजा इस प्रकार सूर्य वंश में हुए थे। क्षुभदस्तु मनोर्जी क्षुआ सुधा, मनु के दसवें पुत्र का नाम इक्ष्वाकु, जिस वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हो गए थे। शशाद नाम का उसमें राजा हुआ। युवनाश उस वंश में ही पैदा हुए थे। सोलभत्यु वनंगदा भार्या सदे नरविन्नर सयोस्य कृपालवा, और उन्हीं का पुत्र मानधाता हो गए थे। मानधाता मानधाता जमही पुतिकृत युगालंकार भूतो गदा, सत्यों के अलंकार रूप में मानधाता समस्त जगत के अधिपति हो गए थे। मानधाता नाम इस प्रकार पड़ गया था। युवराश को जब पुत्र नहीं हुआ था तो वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने यज्ञ कराया था। पुत्र के निमित्त उन्होंने
जल अभिमंत्रित करके रख दिया था और राजा की जो पत्नी थी रानी उसको वह जल पीना था। रात को प्यास लगी तो राजा ही पी गए थे उसको। दूसरे दिन जब पूछा ऋतिको ने, अरे पानी कहाँ गया कहाँ गया, जब मालूम पड़ा युवराज से पी गए, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ, ये आपकी पत्नी के लिए हमने रखा था आप कैसे पी गए। युवराज ने कहा प्यास लगी हो पी गया, मैं क्या करूं, अभी करो ना करो जो भी कुछ हो अब आपके पेट में बच्चा हो जाएगा, मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। युवराज घबरा गया, हुआ वैसा ही उनके पेट में बच्चा रह गया। पेट काट करके ऑपरेशन कर निकालना पड़ा, लेकिन समस्या उस समय में एक यह थी किसका वह दूध पिएगा बालक, माता का दूध माता तो है ही नहीं यहां पर, अब क्या करें उसके लिए। उस समय कहते इंद्र ने आकर कहा अपना अंगुष्ठा दे करके, माम दाता मेरे अंगुष्ठे को ये पिएगा और उससे इसका जीवन होगा। वो माम और धाता से मानधाता होगा, मानधाता बहुत भारी राजा उस समय सत्ययुग में हुए, 50 उनकी कन्याएं हुई थी और उनके पुत्र भी हो गए थे। पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुजगुंदन जियोगिनम तेषां ससार पंचाश सौभिम बुव्रीवदिम। पुरुकुत्स अम्बरीश मुचुकुंद ये सब नाम है उनके पुत्र।